उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट पर 13 मई को वोटिंग हो चुकी है। यहां सपा मुखिया अखिलेश यादव और निवर्तमान सांसद बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला है। वोटिंग के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सुब्रत पाठक थाने में SHO को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं, आज चुनाव खत्म हो गया है, अब तुम्हारी विजिलेंस जाँच कराएंगे, बताकर जा रहे हैं बदला लेंगे बदला। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि कन्नौज में वोटिंग के दौरान पुलिस ऋतिक नाम के एक समर्थक को कोतवाली ले गई और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक वहां पहुंच गए। SHO ने सुब्रत बोले, तुरंत छोड़ दो ऋतिक को, बवाल अगर आप चाहते हो तो अलग बात है, बदतमीजी कर रहे हो, चुनाव आज खत्म हो रहा है, देखते हैं तुम्हें, तुम्हारी विजिलेंस से जांच ना कराए तो कहिएगा, तुमसे बदला लेंगे हम बदला। गौरतलब है मतदान के दौरान सुब्रत पाठक ने लगातार ट्वीट कर चुनाव आयोग से सपा की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कार्यकर्ता मतदान में गड़बड़ियां करा रहे हैं। सपा की ओर से भी कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर सुब्रत पाठक ने लिखा था, विधानसभा छबरामऊ अंतर्गत बूथ संख्या 317-318 में समाजवादी पार्टी के लोग अराजकता फैला रहे हैं, अधिकारीगण उपरोक्त मामले में अपने संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करें। इससे पहले उन्होंने लिखा कि विधानसभा 13 अंतर्गत बूथ संख्या 41 ग्रामीण खंडनी में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता वोट बदलते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एक चुनाव प्रभावित कर रहे हैं।